नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमर प्रेस जी के जिस इंग्लिश चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 29 फरवरी, 29 फरवरी को आपका SSC GD का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। फर्स्ट में आपके 20 GK जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम डेढ़ प्रश्न मिल गया। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे आपके अपने इंग्लिश लैंग्वेज में और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि हु इज़ द प्रेजेंट ऑफ चीफ ऑफ द एयरफोर्स, ठीक है। चीफ ऑफ द एयरफोर्स का आपसे प्रेजेंट चीफ पूछा गया था, प्रेजेंट का। तो इसका राइट आंसर आपका एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BR चौधरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका जनरल अनिल चौहान होता। लेकिन अभी वर्तमान में तो अनिल चौहान जी है, लेकिन आपके सेकेंड है। अगर आपसे फर्स्ट पूछा तो फर्स्ट आपका बिपिन रावत होता। इसके अलावा नेवल चीफ की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, और आर्मी चीफ की बात करेंगे तो जनरल मनोज पांडे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज आर्टिकल 19(1)(b) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का 1 का बी जो आपका है, वो आपका रिलेटेड है, ऑल सिटीजन हैव द फंडामेंटल राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आर्टिकल 19 है, उसके तहत आपको 6 फ्रीडम राइट दिए गए हैं। उस 6 फ्रीडम राइट में पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सेकेंड आपका राइट टू असेंबल एंड असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, सी का है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, डी है आपका राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल ई है राइट टू सेटल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल जी है फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है। आर्टिकल एफ को हटा दिया गया था, ठीक है, तो इसलिए नहीं है। अगला है कि विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मोस्ट लिटरेट स्टेट पूछा गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, तो इसका राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम की बात करेंगे तो इट इज़ अ स्टेट इन नॉर्थन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हुज कैपिटल इज आइजोल। आफ्टर द 53 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1986, इट गोट द स्टेटस ऑफ अ स्टेट ऑन February 20, 1987। इसके अलावा ईस्ट इज द सेकेंड लिस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री, फर्स्ट कौन है, सिक्किम। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मिजोरम लिटरेसी रेट इन 2011 वाज 91.33 एंड हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 74.04%। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फेस्टिवल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो इसका राइट आंसर आपका ओशोरी फेस्टिवल। ओशोरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द अंडमान निकोबार इंडिया, तो इसे ये ऑप्शन में दिया गया था। बाकी निकोबार डांस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज मेस माइजिंग ट्रेवल सर्कुलर डांस। अंडमान निकोबार आइसलैंड का फोक डांस भी है आपका, निकोबार से जड़वा है, सोमफेन है, ठीक है, तो ये आपका होगा। अगला है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड व इंडिया UK अचीवर ऑनर्स, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह आज ऑनर विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द UK अचीवर्स ऑनर्स इन लंडन। दिस ऑनर वॉज गिवन ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लाइफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फ्रॉम 2004 to 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्टेलमेट मीनिंग चेस, ठीक है। स्टेलमेट मीनिंग इन चेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉ। अ स्टेलमेट इज अनदर टाइप ऑफ ड्रॉ इन अ चेस गेम, दिस मीन्स डैट इफ देयर इज अ स्टेलमेट वाइल प्लेइंग अ गेम, नियदर साइड विन्स नॉर लॉस एंड द गेम इंड इज ए ड्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द राइट टू इशू रिट्स, तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स एंड ए रिट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन ऑर्डर इन द नेम ऑफ कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी टू इनेक्ट अब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ पार्टिकुलर थिंग। द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226 कैन इशू रिट्स ऑफ 5 प्रकार का रिट्स आपका इशू कर सकता है। फर्स्ट हैबियस कॉर्पस, सेकेंड मैंडमस, थर्ड प्रोविजन, फोर्थ सर्टियोरी एंड फिफ्थ क्वारंटो, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि हम लोग अभी देखने का प्रयास करते हैं। एक पूछा गया था एलोरा, एलोरा का कैब, एलोरा एलोरा कैब है जो कि कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया फिक्की का स्टेबलिश कब हुआ था, फिक्की का स्टेबलिश तो ये हुआ था आपका 1927 में। एक पूछा गया था लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब अवार्ड किया गया था, 2001 में किया गया था, ठीक है, तो ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा पूछा गया था विच इज़ नॉट अ नेवर कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन पूछा गया था कि नेवर कंट्री आपका इंडिया का नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका था जापान, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका जापान था। इसके अलावा और तो प्रश्न दिख नहीं रहे, बाकी जैसे ही हम लोग को प्रश्न मिलेंगे उसको हम लोग PDF में डाउनलोड कर देंगे, PDF में आपको दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।